Hello guys and welcome back to Comic Book Universe. Subscribe करें इस चैनल को और देखिए सबसे बेस्ट कॉमिक्स इसी चैनल पे. तो चलिए शुरू करते हैं. सेरेनिटी हिल्स टेक्सास का एक घर. इस घर के अंदर एक बच्ची जॉर्जिया चिल्लाती है, डैडी यहाँ एक चूहा है. तभी उसकी मॉम जैनी भागती हुई आती है और एक झटके से ग्लोरिया को चूहे से दूर कर देती है. तब जैनी का हस्बैंड भागता हुआ आता है और रोती हुई ग्लोरिया को गले लगा लेता है. जैनी पूछती है, यहाँ पे एक चूहा है? हस्बैंड कहता है, हाँ और ये मरा हुआ है. आखिर यहाँ चल क्या रहा है? जैनी पूछती है, तुमने कभी बताया नहीं कि हमारे घर में चूहे हैं? हस्बैंड कहता है, तुम सारा टाइम लैब में रहती हो, हमें तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला. सीरियसली बताओ चल क्या रहा है? तुम्हें तो कभी कुर्सी पे बैठ कर काम करने में मजा नहीं आता था. जैनी कहती है, मुझे अब भी नहीं आता. इसके बाद उसका हस्बैंड ग्लोरिया को स्कूल की तरफ ले जाता है, जबकि जैनी अपने साथी साइंटिस्ट के साथ उस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ती है जिसके अंदर वेपन एक्स की सीक्रेट फैसिलिटी है. इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग में 3 लेवल्स हैं, ऑरेंज लेवल, रेड लेवल और ब्लैक लेवल. अब वो लोग काम पे लग जाते हैं. एक साइंटिस्ट जैनी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जैनी कहती है, क्या, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ. तब हम देखते हैं कि जैनी चूहों से इतना डर क्यों रही थी, क्योंकि उसके सामने मौजूद एक चैम्बर में एक म्यूटेंट को साइबोर्ग चूहे खा रहे थे. बॉबी वो वीडियो देखता है जिसमें चूहे उस म्यूटेंट को खा रहे हैं. बॉबी पूछता है, कार्ला क्या ये सच है? कार्ला कहती है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें इससे कोई तकलीफ होती है? बॉबी कहता है, नहीं, मेरा मतलब कि जैसे कि रिवरेंड ने कहा था, हमें इन म्यूटेंट से पहले निपटना पड़ेगा, इससे पहले कि वो हमसे निपटे, फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े. कार्ला कहती है, कुछ भी करना पड़े, ये लाइन मुझे पसंद आई, लेकिन ये साइबोग एनिमल्स तो बस पहला स्टेप है. असल में रिवरेंड को तुम जैसे बहादुर इंसानों की जरूरत है, जो डेविल और उसके चमचों से लड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं. बॉबी कहता है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े. ओलंपस ग्रुप के शिप के अंदर अमाडियस कह रहा है, इस बच्चे का नाम रॉबर्ट एंड्रयू है, जो कि वेपन एक्स प्रोग्राम का हाल ही का रिक्रूट है. जहाँ तक हम कह सकते हैं कि वो लोग उसे एक साइबोर्ग हल्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि वो लाखों म्यूटेंट्स को एक साथ मार सके. हालांकि उनका पिछला अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन अब बॉबी उनके पास है, तो हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. लोगन कहता है, एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुमने उसे ढूंढ लिया था, आखिर वो तुमसे बचकर कैसे निकल गया? अमाडिस कहता है, वो एक फनी स्टोरी है. लेडी डेथस्ट्राइक ने उसे मारने की कोशिश की थी, तो मुझे अपने टीममेट के साथ लड़ने में टाइम वेस्ट करना पड़ा. डेथस्ट्राइक कहती है, मुझे इसका दोष मत दो, अगर हमने उसे मार दिया होता तो हमारे सामने ये नौबत आई ही नहीं होती. अमाडिस कहता है, जब मैं एक सुपर विलन बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें हर किसी को मारने का इंचार्ज बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए हमें बॉबी को बचाना है और हर उस इंसान को जिसे वेपन एक्स काटने की कोशिश कर रहा है. ओके, तो प्लान ये है. लोगन और सेबरटूथ, तुम उस ओमनीटेक लैब से मिले सबूतों की जांच करोगे और पता लगाओगे कि उन्होंने अपना रॉ मटेरियल किसको बेचा था. इसके लिए तुम दोनों को किसी से बात करनी पड़ेगी, और बात करने का मतलब है बात करना, ना तो उसे टॉर्चर करना, ना उसे खाना, और ना ही वो सब करना जो विलन्स करते हैं. तब हम देखते हैं कि वॉरपैथ और डोमिनो एक गाड़ी में बैठकर किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं, जबकि लोगन और सेबरटूथ अपने मिशन पे जा रहे हैं. अमाडिस कहता है, डोमिनो और वॉरपैथ, मैंने तुम दोनों के लिए एक टारगेट ढूंढ लिया है. बॉबी को वेपन एक्स प्रोग्राम के लिए एक चर्च से रिक्रूट किया गया था, और उस चर्च का मालिक है सबका चहेता म्यूटेंट्स को हेट करने वाला विलियम स्ट्राइकर. डोमिनो कहती है, एक मिनट, यहाँ हर कोई जानता है कि डेथस्ट्राइक के विलियम के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे. डेथस्ट्राइक कहती है, वो तब तक थे जब तक उसने एक नया वेपन एक्स प्रोग्राम शुरू किया और मुझे काट डाला. अमाडिस कहता है, स्ट्राइकर गायब हो चुका है और उस चर्च को भी छिन्नभिन्न कर दिया गया है, लेकिन यूरिको ने मुझे उसके आखिरी सीक्रेट चर्च हेडक्वार्टर्स के बारे में बताया है. हमें वहाँ की एक मेंबरशिप लिस्ट चाहिए. डोमिनो कहती है, मुझे तो लगा था कि स्ट्राइकर मर चुका था. सीरियसली वो लोग हमसे इतना नफरत क्यों करते हैं? अब डोमिनो विलियम के बारे में अपने मन का जहर उगलने लगती है, और उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो लोग चर्च तक पहुंच चुके हैं. वॉरपैथ उसे गाड़ी स्लो करने के लिए कहता है, लेकिन डोमिनो सीधा गेट तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है, जहां उनका सामना ह्यूमन साइबॉक्स और डॉग साइबॉक्स से होता है. डोमिनो उनसे लड़ते हुए कह रही है, सोचो वो हमसे कितना नफरत करते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, हजारों घंटे ये चीज़ बनाने में लगाते हैं, क्या उनके पास करने के लिए इससे अच्छा और कोई काम नहीं है? वॉरपैथ कहता है, उन्होंने काफ़ी मेहनत से इन साइबॉक्स को बनाया है,
और मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ पैसों के लिए इस टीम में आई हो। डोमिनो कहती है, मजाक मत करो, मैं इस मिशन पे मिलने वाला हर एक डॉलर चुराने वाली हूँ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। लोगन और सेबरटूथ ओक्लाहोमा में एक अपार्टमेंट के पास पहुँच चुके हैं और दरवाजा खटखटाकर कहते हैं कि मैं पिज्जा वाला हूँ। तब एक आदमी अंदर से गेट खोलता है तो लोगन अपने क्लोज निकाल लेता है और फिर वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। आदमी पूछता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? लोगन कहता है, शांत हो जाओ, हम यहाँ किसी को चोट पहुँचाने नहीं आए। आदमी कहता है, क्या तुम लोग? लोगन कहता है, हाँ हम म्यूटेंट्स हैं और हम बहुत गुस्सा हैं, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम जल्दी से अपना मुँह खोल दो। आदमी पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? लोगन पूछता है, ओमनीटेक कंपनी की सारी बुकिंग तुम ही करते थे ना? आदमी कहता है, हाँ लेकिन अब मुझे कुछ याद नहीं है। लोगन कहता है, 9 महीने पहले जब रॉक्सोन कंपनी ने ओमनीटेक कंपनी पे केस किया था, उसके बाद से ओमनीटेक कंपनी का बहुत सारा रॉ मटेरियल गायब है, लेकिन इसे बेचने का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या तुम इस चीज़ के ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हो? आदमी कहता है, एक मिनट, क्या एक्समैन टैक्स फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? लोगन कहता है, हमें यही तो चाहिए था, चलो इस आदमी का मुंह बंद करके इसको नेगेटिव जोन में भेज देते हैं। विक्टर कहता है, रुको रुको, ये कुछ बताना चाहता है। इधर सेरेनिटी हिल्स में एक सोल्जर ये सब देख रहा होता है और ये बात जाकर डॉक्टर बेंस और जैनी को बताता है और कहता है कि हमें नैनोबोट डिटोनेशन के लिए कन्फर्मेशन चाहिए। डॉक्टर बेंस कहता है, जैनी इस काम में एक्सपर्ट है, जैनी कोड 23 बताओ, उनको डिटोनेशन सीक्वेंस चालू करनी है। जैनी कहती है, लेकिन हमने तो उनके अंदर कभी नैनोबोट्स डाले ही नहीं। डॉक्टर बेंस कहता है, वेल एक्चुअली वो मैंने डाले थे। इधर वो आदमी सेबरटूथ और लोगन को कुछ बताने ही वाला होता है कि उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी डेथ हो जाती है। विक्टर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। लोगन कहता है, आखिर ये मर कैसे सकता है? विक्टर कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इन सब बकवासबाजी से बहुत तंग आ चुका हूँ। डॉक्टर बेंस कहता है, देखो जैनी, सब कुछ उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से तुमने डिजाइन किया था। जब तुमने पहली बार ये चीज मुझे दिखाई थी तभी मुझे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल गया था। सोल्जर कहता है, चलो बाकी सबके साथ भी यही करते हैं, ये पूरी चेन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, हमें 23 नहीं 24 और लोगों को मारना होगा। डॉक्टर बेंस कहता है, वो ओके, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है। लेकिन जैनी का ध्यान कहीं और ही होता है। ओलंपस ग्रुप की शिप डेथस्ट्राइक अमाडिस से कहती है, बढ़िया प्लान था लड़के, अब तो तुम एक किलर भी बन गए। अमाडिस कहता है, उस अकाउंटेंट को कोई दिल की बीमारी नहीं थी, वेपन एक्स ने उस आदमी को मारा है, हमने नहीं। तो मैं इस टाइप की हर एक मौत को डिटेक्ट कर रहा हूँ जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग और शिपिंग का काम किया करते थे, और मैंने उस मेंबरशिप लिस्ट को भी एनालाइज किया है जो कि डोमिनो और वॉरपैथ लेकर आए थे। मुझे 53 ऐसे लोग मिले हैं जो गायब हो चुके हैं। अब अमाडिस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और कहता है, ठीक है, हम टेक्सास जा रहे हैं। 22 घंटे बाद सेरेनिटी हिल्स। जैनी का हस्बैंड कह रहा है, सीरियसली मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। जैनी कहती है, मैं ठीक हूँ। हस्बैंड कहता है, चलो इस हफ्ते बाहर चलते हैं, कहीं शॉपिंग पे या घूमने चलते हैं। जैनी कहती है, ये तो बहुत अच्छा है। वहीं डॉक्टर बेंस को इस बात का शक हो जाता है। अगले सीन में जैनी वेपन एक्स फैसिलिटी के अंदर बैठकर कॉफी पी रही होती है। तब डॉक्टर बेंस उसे किसी काम के बहाने अपने पास बुलाता है और पूछता है, तुम्हारा ये हफ्ता बहुत मुश्किल चल रहा है ना? जैनी कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। डॉक्टर बेंस कहता है, तब तो अच्छा है, क्योंकि हाई कमांड ने तुम्हारे टैलेंट को देख लिया है और वो बैच एच में तुम्हारे टैलेंट का यूज़ करना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन जेनिफर, तुम्हारा प्रमोशन किया जा रहा है। अब जेनिफर बैच एच में पहुंच जाती है। एक साइंटिस्ट कहता है, डॉक्टर अल्बा, नया रिक्रूट यहाँ पे आ चुका है। डॉक्टर अल्बा कहती है, नहीं नहीं नया रिक्रूट एक मेल है, फीमेल नहीं। साइंटिस्ट कहता है, ओह वो तो अभी रास्ते में ही है, लेकिन जब तक हम वेट कर रहे हैं तब तक हमने किसी और को बुलाया था। डॉक्टर अल्बा कहती है, ओह तो ऐसा है। तब डॉक्टर अल्बा जेनिफर के पास जाती है और उसे एक बिजली का झटका देती है। इसके बाद डॉक्टर अल्बा साइंटिस्ट से कहती है कि टैंक नंबर 15 प्रिपेयर करो। अब जेनिफर उस घटना को याद करती है जिसमें उसने अपने घर में एक चूहे को देखा था और अब उसकी हालत भी एक चूहे जैसी हो चुकी है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।